नमस्कार, आप देख रहे हैं आठभट न्यूज, खबर नालंदा से है। देश की सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी का गठन 80 के दशक के शुरुआत में हुआ था। अब यह देश और राज्य दोनों की सबसे मजबूत और सबसे ज्यादा सदस्यों वाली पार्टी बन चुकी है, जिसके पास एक बेहतरीन ढांचा भी है। इसे यहां तक पहुंचाने का श्रेय कई नेताओं को जाता है। बीजेपी का आज फाउंडेशन दिवस है। दिल्ली में 6 अप्रैल 1980 को इसकी स्थापना की गई थी। 4 दशकों में बीजेपी ने लगातार नई ऊंचाइयां छूने का काम किया है। पहले अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में बीजेपी ने 90 के दशक के आखिरी में सरकार बनाई थी। अब पिछले 6 सालों से नरेंद्र मोदी बीजेपी की अगुवाई वाली NDA सरकार के प्रधानमंत्री हैं। वैसे इसके मूल में भारतीय जनसंघ है, जिसकी नींव डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखी थी। आज स्थापना दिवस के मौके पर बिहार शरीफ के भरापर स्थित पार्टी कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्यक्ष के तैल्य चित्र पर पुष्प अर्पित कर झंडोत्तोलन किया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा, देखें इस रिपोर्ट में। हम लोग 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के रूप में मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में हम सारे जिला के पदाधिकारी अभी बैठकर और स्थापना दिवस के रूप में इसे मना रहे हैं, और हर बूथ पर जाकर हर घर पे झंडा लगवाने का काम कर रहे हैं। मैं इसको भी आप सभी मीडिया वाले समझते हैं, हम उन सभी विषयों पर जो विवादास्पद विषय है, हम विकास की बात करते हैं। सुकमा में भी विकास की बात होती है, लेकिन विकास के अवरुद्ध जो करते हैं हम उनके खिलाफ है। हम हमेशा राष्ट्रवाद के साथ हैं, राष्ट्र मेरा सर्वोपरि है। हम इस बात पर करते हैं कि मैं नहीं हूँ, पहले राष्ट्र है, फिर पार्टी है, तब मैं हूँ, मैं नहीं। राष्ट्रनिष्ठा, विचारधारा एवं सिद्धांत की सबसे बड़ी पार्टी आज 41वां स्थापना दिवस पर हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समर्पित सभी इस पार्टी के रीढ़ को मैं आज स्थापना दिवस के अवसर पर उनको हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूं। हमारी पार्टी विचारधारा की पार्टी है। आज पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। आज उनका मैं सभी बूथों पर आज स्थापना दिवस के रूप में सभी जगह झंडा तोलन कर हम सभी भाजपा परिवार आज पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में आज स्थापना दिवस मना रहे हैं। और सभी कार्यकर्ता बंधुओं से यही निवेदन करता हूं कि आप लोग विश्वास रखें, मेरा देश आगे बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। भारत माता की जय।